नूरपुर की राजकीय प्राथमिक पाठशाला फतेहपुर के बाथरूम में बंद किए गए बच्चे के मामले में विभाग ने जांच बिठाई है। हालांकि बच्चे के परिजन कोई भी कार्रवाई नहीं चाहते हैं। बच्चे के पिता संजीत मोहम्मद का कहना है कि अध्यापक से बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन फिर भी वो कोई भी कार्रवाई नहीं चाहते हैं, लेकिन हिदायत जरूर देते हैं कि आने वाले समय में पूरी जांच पड़ताल के बाद ही ताला लगाया जाए। अच्छा, ये शनिवार को ये घटना घटी थी, यहाँ पे बच्चा अंदर आ गया था बाथरूम में। आपका लड़का था वो? कौन सी क्लास में पढ़ता है? चौथी में। तो इसके बारे में आपने कोई विभाग से कंप्लेंट करी है? कंप्लेंट तो कोई नहीं की। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? क्योंकि बच्चे को परेशानी तो हुई है, आलो पर जो भी है प्रशासन की इसमें लापरवाही भी गिनी जा सकती है, तो क्या चाहते हैं आप? चाहना क्या, किसी की नौकरी का क्या? मतलब इनका कहना है कि बच्चा थोड़ा दिमागी तौर पर भी ऐसा रहता था, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता किसी भी चीज़ को लेके, कभी उठ के बाथरूम में चला जाता था, कहीं और चला जाता था, कहीं छत पे बैठ जाता था, ऐसा है कुछ बच्चे में? ऐसा तो हमने कभी नहीं महसूस किया। घर में कुछ ऐसा नहीं करता, ऐसी एक्टिविटी कोई नहीं करता, अपने मस्त रहता है, अपने इसमें रहता है। अच्छा, तो आप नहीं चाहते कोई कार्रवाई इनके खिलाफ? कार्रवाई क्या करनी है, तो कोई इनको कोई हिदायत देना चाहिए जा, और भी एम्प्लॉइज है एक्चुअली। अगर ये तो हमने बिहार में स्कूल है देख लिया, अगर जी ये साइड में होता फिर मुश्किल से, फिर तो मुश्किल हो गई थी। तो क्या आपकी तरफ क्या इनको हिदायत रहेगी कि आने वाले समय में कोई और दूसरा ऐसा? हाँ, ऐसा कभी ना भी जब भी स्कूल जाए तो बंद करें, तो चेक करके जाए पूरा ही, देखे जैसे घटना में अगर जाए दोबारा से। थैंक यू। बच्चा भी ठीक है? बच्चा भी ठीक है। उधर स्कूल अध्यापक संजय कुमार ने अपनी गलती मानते हुए कहा कि उन्होंने बाथरूम बंद करने से पहले सब जगह जांच नहीं की थी, जो कि उन्हें करनी चाहिए थी। सर, एक्चुअली में बात ऐसी कि ताला मैंने बंद किया। अच्छा, तो इस वजह से बच्चा और हुआ कि सर बंद किया। अच्छा, हाँ जी, नहीं तो ऐसा हमारे को, मेरे को तो ऐसा कोई वो नहीं है की बच्चे के बारे में की मैं उसको सजा दी या कुछ ऐसा बोल रही है, तो ऐसा तो मैंने मेरी तरफ से ऐसा पूरी नहीं है। हाँ, गलती है, ठीक है, हमने बाथरूम के अंदर जाके चेक नहीं किया। अच्छा, अंदर आपने जो बाथरूम के अंदर के जो अलग अलग बने हुए हैं वो नहीं चेक किए थे? कैबिन नहीं किए चेक, क्योंकि दरवाजे खुले हुए थे। अच्छा, हमने तो ये सोचा कि ठीक है नहीं है कोई, फिर भी हमने आवाज लगाई तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अच्छा, तो फिर हमने दरवाजा बंद किया और अपने। तो आपको कैसे पता चला कि ये घटना जहाँ घट गई? हमें तो सर फोन आया ना फिर। अच्छा, हाँ जी, हाँ, तो उसके बाद पेरेंट्स से बात हुई कोई? कितना टाइम हो गया आपको जॉब करते हो, कहीं पहले ऐसी घटना घटी थी कोई इलाज में? नहीं, मेरे को 15 साल हो गए। अच्छा, आज तक कभी ऐसी ना कोई इलाज हुई हुई ना कोई ऐसी घटना। वहीं मामले पर खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी फतेहपुर बलवान सिंह ने कहा कि विभाग ने उक्त मामले पर जांच शुरू कर दी है। शनिवार को कोई वीडियो वायरल हुई थी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल फतेहपुर के, बच्चा जो बाथरूम में बंद हो गया था, उसके बारे में विभाग की तरफ से क्या एक्शन लिया जा रहा है? विभाग की तरफ से पूरी इंक्वायरी की जा रही है, जो भी फैक्ट और फिगर निकल कर सामने आएंगे, जो भी दोषी होगा नियमानुसार उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये इंक्वायरी में कितना समय लग सकता है? अभी आज हमने इंक्वायरी रखी हुई है, जो भी पेरेंट्स के, एसएमसी के, स्कूल प्रशासन के जो भी पॉइंट्स आएंगे, क्वेश्चनरी होगी बच्चे के पेरेंट्स से भी होगी, तो जो भी फैक्ट और फिगर जो निकल कर सामने आएंगे वो हम आगे अपने उच्च अधिकारी को प्रेषित करेंगे और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसा कोई मामला पहले तो नहीं फतेहपुर में? नहीं, ऐसा मेरे ध्यान में पहले नहीं हुआ। और तलब है कि बीते शनिवार को राजकीय प्राथमिक पाठशाला फतेहपुर में एक बच्चा बाथरूम में बंद हो गया था। कुछ समय बाद बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ सुन स्थानीय लोगों ने उसे बाहर निकाला, जिसकी किसी व्यक्ति ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी थी, जिसके बाद विभाग ने जांच बिठा दी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।